अभिलाषा से खूबसूरत मैं हूँ। सारे खूबसूरत लोग देखो यहीं बैठे हैं, बचे हैं ना अली फिर कामजादा चेहरे वाले। हमारे जैसा मौलवी अगर नादे अली का हिसार बांध दे तो ना मनहूसत आती है ना कोई हमारे हिसार में इतनी ताकत तो जब अल्लाह हिसार अल्लाह और फिर उसके बाद अल्लाह कहे युरीदुल्लाह ये अल्लाह का इरादा है। कौन अल्लाह का जिसने कुन से फयकुन कर दिया, जो सोचता वो नहीं है, जो कहता है हो जा और हो जा, वो अल्लाह इरादा करके कह रहा है ले युज़हिबा अन्तुम रिज्जा अहले बैत। आखिरी आदमी तक अल्लाह कह रहा है मेरे नबी के खास घर वाले। बहुत बड़ा तर्जुमा किया मैंने, अल्लाह कह रहा है मेरे नबी के खास घर वालों। इसलिए कि अल्लाह घर वाला अगर कहता तो मौलवी का सबको शामिल कर रहा है। Yeah.
जिसम में गंदगी हो बेशक बेशक वो अहल बैत के करीब नहीं आ सकता। बेशक बेशक तो भाई जिसकी नस्ल में गंदगी हो अल्लाह कह रहा है युष्मान कुमार हम पहुंचने नहीं देंगे आप और हम आपको वैसे ही पाक रखेंगे जैसे पाक रखने का हक है। तो तर्जुमे हैं आलम इस्लाम के। मेरी माँ बहन शायद गुफ्तगू कर रही है मुझे कहिए थोड़ा खामोश हो रहा है। हाँ दस औरतें मिलकर कहीं खामोश हो जाए ना तो ये भी मौजूदे से कम नहीं। हम आपको वैसे ही पाक रखेंगे जैसे पाक रखने का हक है। आलमे सलाम में दो तर्जुमे हुए हैं आयत तफसीर के। हमारा तर्जुमा क्या है? अल्लाह कह रहा है हम आपको पाक रखेंगे। वो समझ गए ना? वो ये तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह कह रहा हम आपको पाक करेंगे। अजमेर शरीफ में जश्न गदीर हो रहा था 4 साल पहले। मेरी भी तकलीफ थी। मुझसे पहले एक मौलवी साहब आए और उन्होंने आकर यही आयत तफसीर पढ़ी और उसके बाद मौलवी भी एक ऐसा गुनाहगार है जिसके पास हर गुनाह का कफारा बना है। मौलवी का बस जब अरबी इबारत में नहीं चलता तो मौलवी फौरन तर्जुमे में डंडी मारता है। अब इबारत को चेंज नहीं कर पाया तर्जुमे में डंडी मार दी। काला दे रहे नबी के घर वालों हम आपको पास करेंगे। अब उसकी तकलीर खत्म हो गई। उसके बाद मेरी तकलीर होनी थी तो या तो उसकी किस्मत खराब थी कि उसके बाद मेरी तकलीर थी या तो उधर तो मंजूरी है कि बेशक बेशक मैंने कहा इसका मतलब यह है कि नऊज़ुबिल्लाह अहले बैत पहले पाक नहीं थे। मजमे को तासीर तो मौलवी यही देना चाह रहा है ना कि अल्लाह कह रहा पाक करेंगे। मैंने कहा नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह इसका तर्जुमा क्या है? इसका मतलब क्या है कि पहले पाक नहीं थे? कहने लगा मौलाना तर्जुमा तो यही है अल्लाह कह रहा हम आपको पाक करेंगे। मैंने कहा तो फिर अपने तर्जुमे में कायम रहना। मैं कुरान की एक और आयत पढ़ने लगा हूँ। मैंने सूरह रहमान की आयत की तिलावत की। मैंने कहा तिलावत मैं करूँगा तर्जुमा तू करेगा। मैंने कहा अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समा रफाहा वलज़ाल मीज़ान। अल्लाह कह रहा हमने आसमानों को ऊँचा किया। मैंने कहा मौलवी तर्जुमा यही है। अल्लाह कह रहा हमने आसमानों को ऊँचा किया। कहाँ मौलाना यही तर्जुमा है? अल्लाह कह रहा हमने आसमानों को ऊँचा किया। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? क्या आसमान पहले नीचे था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह कह रहा है और इस्माइल अलैहिस्सलाम को कह रहा है। क्या कह रहा है? इब्राहिम इस्माइल हाँ परवरदिगार इब्राहिम मेरा घर बनाओ। क्या इब्राहिम मेरा घर बनाओ? परवरदिगार किसका घर?
इब्राहिम मेरा घर, मालिक तेरा घर, हाँ हाँ मेरा घर, परवरदिगार तुझे घर की जरूरत पहुंचाने लगी। घर भी असली घर नहीं, नकली घर। आप भी सोचेंगे मौलाना आप तब तो सही पढ़ रहे थे, मौसम का गलबा हो गया है, हाँ भाई शक कर सकता है ना बनवा मेरे ऊपर, तब लोगों ने रसूल अल्लाह के दिमाग पर शक किया। मौलवी पे शक करने तो क्या बड़ी बात है, पूरी तरह से बनाओ। अल्लाह कह रहा मेरा घर बनाओ, मगर घर असली नहीं नकली, इसलिए कि असली घर तो तोते आसमान में बैठे मामूर में मौजूद है। अल्लाह जमीन पर उसी बैठे मामूर की छवि बनवा रहा है। अल्लाह बना रहा है, क्या बात। तो हम जब ताजिया बनाए मौलवी के पेट में मरवा शुरू हो जाए, लगने लगाते हैं, खुद से कागज लगाते हैं, खुद से कर्मी लगाते हैं और इमाम हुसैन से रिश्वत दे देते हैं। मैंने कहा मौलवी तूने अपने इलाके में जो मस्जिद बनाई थी मैंने कहा जब चंदा किया तो चंदा देने वालों का अकाउंट चेक किया, किसका व्हाइट मनी ब्लैक मनी। मौलाना यहाँ चेकिंग नहीं होती, यहाँ तो एक ही पॉलिसी है, और कलंदर भेज जाओ। इब्राहिम ने, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया और बड़ा खूबसूरत घर बनाया। तवज्जो, घर तो बन गया मगर एक कमी रह गई थी, काबे का एक कोना पत्थर से खाली रह गया। क्या इब्राहिम परेशान ना हो, जन्नत से पत्थर भेजा जाएगा, हजरे अस्वद को भेजा। भाई दलील भी देनी है ना जन्नत की, आज कुछ लोग पूछते हैं ना जन्नत है दलील का है। भाई मैं अमेरिका से आया, तो मैं भाई ने पूछा आप अमेरिका से आए दलील का, मैंने कहा रुके यहीं पर गया, मैं एक कैमरा लेकर आया, एक टी शर्ट लेकर आया, कहा मनाना कितना है, मैंने कहा पढ़ो इसमें क्या लिखा है, तो मैं भाई ने कहा क्या लिखा, मैंने कहा पढ़ो मेड इन अमेरिका लिखा है। मौना कहा मौना इसका मतलब क्या है, मैंने कहा अगर अमेरिका ही नहीं होता अमेरिका का कैमरा कहा जाता, काबा बना दिया। मगर हर दौर में एक से एक फितनेबाज लोग रहे हैं, हर दौर में। ये समझ लीजिए कि कोई जमाना फितनों से खाली नहीं है, बेशक उस जमाने में डॉक्टर फितना थे जितने टैग, जब कोई काबे से काबे में आता था काबे का तवाब करने तो अपने घर का तवाब करवा देना।
इब्राहिम परेशान क्या करे, अल्लाह को ना पता दिया, ये तो मुनाफिक अपने घरों का तबाह करवा देते हैं, तो कुछ ऐसा कर कि तेरे घर में और दूसरों के